है जब हमें हम अपने ही घर में खुद सुरक्षित रहेंगे, तो हमें ऐसी मांग करना है कि हमें ऐसा हम लोगों के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर दरिंदे तुरंत पहचान में आते हैं तो उनको तुरंत तत्काल सजा दी जाए, अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर मजबूरन हम लोगों को कदम उठाना। ये हम लोगों की है, सब बहनें अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जानसेनगंज तक हम लोग जाएंगे, मानव श्रृंखला लाइन में कोई और कोई भी हंसेगा नहीं। हम लोग एक दुख के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांग की मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक अच्छा परिचय देते हुए हम लोग बाहर निकलेंगे। इसमें हमारे भाई भी हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि हर भाई की भी परिवार है, उनकी भी बहन है, उनकी भी बेटियां हैं। और इसके साथ ही महिला अधिकार संगठन और संजीवनी दोनों ने यह निर्णय लिया है। शासन प्रशासन से हम लोगों की मांग है, हम लोग हर स्कूल कॉलेज जो भी हमारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ हम लोगों के सम्मानित लोग है, जब हमें हम अपने ही घर में खुद सुरक्षित रहेंगे, तो हमें ऐसी मांग करना है कि हमें ऐसा हम लोगों के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर दरिंदे तुरंत पहचान में आते हैं तो उनको तुरंत तत्काल सजा दी जाए, अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर मजबूरन हम लोगों को कदम उठाना। ये हम लोगों की है, सब बहनें अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जानसेनगंज तक हम लोग जाएंगे, मानव श्रृंखला लाइन में और कोई भी हंसेगा नहीं। हम लोग एक दुख के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांग की मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक अच्छा परिचय देते हुए हम लोग बाहर निकलेंगे। इसमें हमारे भाई भी हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि हर भाई की भी परिवार है, उनकी भी बहन है, उनकी भी बेटियाँ हैं। और इसके साथ ही महिला अधिकार संगठन और संजीवनी दोनों ने यह निर्णय लिया है। शासन प्रशासन से हम लोगों की मांग है, हम लोग हर स्कूल कॉलेज जो भी हमारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ हम लोगों के सम्मानित लोग